सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रणाम, मैं अमित स्वागत करता हूँ अपने इस नए लेसन में। तो आज मैं आपको सरगम तेज कैसे करें इसके जवाब में एक ऐसा तरीका बताऊंगा। दो तीन ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी सरगम को तेज कर सकते हैं बांसुरी में बहुत कम समय में और अच्छे से। एक मैं टिप्स दूंगा, ये आप बांसुरी में बजाओगे तो वही, कुछ मैं अलग नहीं दूंगा बजाने के लिए, बजाने तो आपने सरगम ही है, लेकिन मैं कुछ एक दो ऐसे तरीके बताता हूँ जिनसे कि आपकी बांसुरी में सरगम तेज हो जाएंगे। अब तेज होने के लिए एक तो सबसे पहली टिप्स ये है कि जब आप सरगम बजाते हैं तो उंगलियों को ज़्यादा दूर ना रखें, जैसे कई ये करते हैं इस प्रकार, तो दूर दूर रख करके जितना दूर आप ले जाओगे उतनी लेट आप वापस होल बंद करने के लिए आओगे, तो इसमें लेट लग जाती है। तो इस टाइम को बचाने के लिए आपने सिर्फ इतना जितना कि हमारे होल पर अफेक्ट ना पड़े, हमारे स्वरों पर अफेक्ट ना पड़े। जैसे मैं यदि ज़्यादा ही नीचे कर दूंगा, इस प्रकार नीचे ही रख दूंगा तो स्वर दब जाएंगे, तो ओपन तो है लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं है, बस सिर्फ इतना इतना रखें, इतने में आपकी बांसुरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब आप बांसुरी बजाएंगे तो तब आपकी बांसुरी तेज बजेगी। अब दूसरा ये है, जैसे मैंने एक पलटा दिया सारे गा रे गा मा गा मा पा, तो एक एक पलटे के एक एक फ्रेज का रियाज कीजिए, जैसे कि सारे गा सारे गा सारे गा सारे गा, इसी का रियाज कीजिए, फिर गामा पा गामा पा गामा पा गामा पा, जितना कम लेकर के आप चलेंगे उतना आप बहुत जल्दी पकड़ मजबूत बना पाएंगे और आपकी उंगलियां तेज होंगी। अगर आप पूरे पलटे का रियाज एक साथ करते हैं तो वो बात आपके हाथ में नहीं आएगी उतनी जल्दी, वो बहुत लेट लगाएगी। तो इसीलिए आप एक एक फ्रेज को पकड़ करके, जैसे कि सारेगा इसी का रियाज करते सारे गा रे। अब इसका रियाज करके और अपने आप कुछ समय में ही बहुत तेज बांसुरी बजा पाएंगे। एक तो मैंने कहा कि उंगलियों को ज़्यादा दूर नहीं रखना, उंगलियों को जितना सामने रखे उतना ठीक है, और दूसरा कि जब भी मैं कोई आपको लेसन देता हूँ, पलटा देता हूँ, तो आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बजाना है, और उसी छोटे टुकड़े को पहले साधारण तरीके से अपने हाथ में बैठाया, फिर उसके बाद इसी को तेज किया, और जब एक पे हाथ सेट हो गया फिर दूसरे पे गए, उसको भी ऐसे ही किया, उसके बाद आपके हाथों में वो तेजपन आ जाएगा कि आप अटकेंगे नहीं कहीं बार। जब आप आगे जाकर के चौगुन बजाएंगे तो उसमें उंगलियों की तेज मूवमेंट चाहिए होती है, तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके अगर बांसुरी बजाएंगे तो आप बहुत जल्दी, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं सब सरगमों को तार सप्तक से लेकर के और बांसुरी के मंद सप्तक लाता हूँ, तो एक बार बजा करके दिखा देता हूँ, तो जितनी जल्दी मैं एक तो ज़्यादा दूर नहीं ले गया, ज़्यादा दूर नहीं ले जाना और सामने ही रखना है, तो उस हिसाब से आप बहुत जल्दी बजा पाएंगे। तो आप लगातार रियाज करते रहें। धन्यवाद।